नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी शिक्षकों का मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही के दिनों में 11 और फर्जी शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। इन 11 शिक्षकों को मिलाकर सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी शिक्षकों की तादाद 100 हो गई है। अभी कुछ और फर्जी शिक्षक विभाग के निशाने पर हैं। फर्जी शिक्षकों के बारे में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि 2015-16 में 72,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, उसी भर्ती में गोलमाल करके इन शिक्षकों ने नौकरी हासिल की थी। अभी तक बर्खास्त शिक्षक हुए 101 हमारे जनपद में सिद्धार्थनगर में बर्खास्त कर दी गई, सेवा समाप्त कर दी गई। अब कितनी क्या क्या कार्रवाई हो रही है आपके स्तर पे? जब हमने जांच कराया और पता लगा कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी है, तो हमने उनको एक एक करके 3 नोटिस दिया और उनका जवाब नहीं आया। पहली नोटिस पर जवाब नहीं आया, दूसरी नोटिस पर नहीं जवाब आया, तो सेवा समाप्त की कार्रवाई। यदि तीनों नोटिस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया, यहाँ तक कहते हैं कि 11 का उन्होंने मार्कशीट लगाया टेट का, और कहते हैं नहीं मैं 13 के टेट के मार्कशीट पर काम कर रहा हूँ, तो हमारा तो रिकॉर्ड बताएगा कि आप 11 के टेट पर नौकरी पाए हैं कि 13 के टेट पर नौकरी पाए हैं, तो उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। विभागीय संलिप्तता भी होती है इसमें, विभागीय लोग भी शामिल होंगे आपके? आप नहीं, विभागीय लोग अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले के कर्मचारी लोग रहे हैं, उस समय जब जांच में भेजा गया तो वहाँ से लिखा चला आया परीक्षा नियामक के यहाँ से कि ये सब उत्तीर्ण हैं, वो भी दिखा रहे हैं लोग कि साहब देखिए ये लिखा हुआ गया, मतलब कि इन लोगों का वहाँ तक स्रोत थे क्या थे कि यहाँ से जब भेजा जा रहा है जाँच में तो वहाँ से भी लिखा चला आ रहा है कि सही है सही है, और अब जब व्यक्तिगत आदमी भेज दिया गया, गोपनीय ढंग से भेज दिया गया, तो जांच में पता लग रहा है कि नहीं ये तो इस रोल नंबर में दूसरा आदमी है और वो फेल है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। और कितने लोग अभी सस्पेक्टेड हैं? अभी तो वर्तमान में 5-6 लोग हैं जिनकी जाँच चल रही, उनकी रिपोर्ट आते ही उन पर कार्रवाई हो जाएगी, और जैसे जैसे STF हमको बताती है कि इस नाम का आदमी, तो हम उनकी खोज जारी कर देते हैं। कितने के कहाँ कहाँ दर्ज है मुकदमा, किस किस स्थानों में मुकदमा? जैसे जिस जगह पर वो नौकरी कर रहा था उसी ब्लॉक में BO को लिखा गया कि आप जो है इनकी सेवा समाप्त की जाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और थाने में मुकदमा दर्ज कीजिए, FIR लिखवाइए, तो सदर सहित आसपास के जो भी हैं सब जगह FIR कर दिया गया है और उस पर खोजबीन जारी है।